पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के काठ कस्बे में स्थित बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की लगभग 35 छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय में फेल किए जाने से नाराज छात्राओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही छात्राओं ने ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे को दिया। गुरुवार को मुरादाबाद जनपद के काठ कस्बे में स्थित बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंची। छात्राओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए 12वीं की अर्थशास्त्र ए के विषय में लगभग 35 छात्राओं को 10-10 अंक देकर फेल कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यापक द्वारा उनसे पैसे लिए गए लेकिन अभी तक स्क्रूटनी नहीं कराई गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले पर्यवेक्षकों ने जानबूझकर कम अंक दिए, इससे बड़ी संख्या में छात्राएं एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गईं। सर, हम बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज काठ मुरादाबाद के छात्र हैं। हमने इंटर किया है बोर्ड से एग्जाम, ठीक है। तो हम मतलब हमारे सब सर्वे नंबर अच्छे आए हैं और एक ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम 35 छात्राएं फेल हैं। यस सर, और हमने अपनी कॉपी रिचेक करवाने के लिए दिग्विजय सर को 300 रुपये दिए थे, जिसका उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया और टीचर भी कोई एक्शन नहीं, बल्कि टीचर हमें खुद फेल करके हमें इरिटेट कर रही हैं। मतलब ऐसा कर रही जैसे कि मतलब कभी कभी तो ये मन करता है कि आत्महत्या कर लें। कितनी टोटल छात्राएं हैं आप? 35। आज हाँ यहाँ DIOs पे आए, क्या बोल रहे हैं वो सर? मतलब वो तो पेपर के लिए कह रहे हैं कि मतलब तैयारी करो, तैयारी करो। और जो हमें टीचर दी गई हैं उस सब्जेक्ट के, इसमें हम फेल हुए हैं और प्रिंसिपल ने मना कर दिया हमें पढ़ने आने के लिए। अब सर के सामने वो अपनी सफाई दे रही हैं। अब आपको DIOs ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने तो बस ये कहा है कि पढ़ते रहिए आप, आपका अपॉइंटमेंट का फॉर्म भरा गया है, सर ने ऑनलाइन कर दिया है, आप पेपर दे देना, उसमें पास हो जाएंगे। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज कांट की इंटरमीडिएट की 13 छात्राएं आई थी मेरे पास, उनके प्रिंसिपल को भी मैंने बुलवाया था। बच्चों की शिकायत ये थी कि इंटरमीडिएट के अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा में उन्हें कम नंबर दिए गए या फेल कर दिया गया है। बच्चियों को पूरी बात को बताया गया, आगे क्या रास्ता है, क्या हो सकता है। जन सूचना अधिकार के तहत आप अपनी कापी भी मांग सकती हैं, फोटो कापी ले सकती हैं, कापी को आप देख भी सकती हैं, 10 रुपये लगा करके मांग लीजिए। कंपार्टमेंट परीक्षा का उनका फॉर्म भरा जा चुका है, 20 अगस्त के आसपास उसकी परीक्षा होगी, अभी डेट नहीं आई है। बच्चों को बताया गया कि आप परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा दें और अधिक से अधिक अंक अर्जित करके उत्तीर्ण हो जाएं, आगे जिससे कि आपका अच्छे से प्रवेश हो सके। कुछ पैसा लेने का आरोप भी लगाया गया है स्कूल प्रशासन का। बच्चों ने ये बात कही कि हमसे 300 रुपया लिया गया है कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने के लिए। तो बच्चों को ये बता दिया गया कि वास्तव में कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरने की जो बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क है वो 3 से 6 रुपया है। तो बच्चों से ज़्यादा पैसा नहीं लिया गया है, बल्कि बच्चों से 6 रुपया कम ही लिया गया है। अब आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? बच्चों को यही कहा गया है कि उनकी ये व्यवस्था करा दी गई है कि विद्यालय में प्रिंसिपल 1 घंटा अतिरिक्त बच्चों को समय देंगी। अर्थशास्त्र के विषय की प्रवक्ता से उन बच्चियों को जो समय बचा हुआ है परीक्षा तक, उनको फिर से अर्थशास्त्र विषय तैयार कराया जाएगा, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए और अच्छे से वो बच्चियाँ परीक्षा में शामिल हो सकें, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।